हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पोंवार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने रीट एग्ज़ाम के लिए टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 14 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 15 पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप ज़रा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित है? तो आपको याद रखना है, यह स्थापित है कोटा में। ठीक है, तो आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूँ, उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, यह स्थित है सूरतगढ़ में। ठीक है, सूरतगढ़ में राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है तो कौन सा है? कुआ है, नलकूप। ठीक है, कुआ है, नलकूप है जो राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला नगर है? राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला नगर है तो कौन सा नगर है? अजमेर। ठीक है, अजमेर है जो राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला नगर है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान की सबसे बड़ी या सबसे गहरी झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है तो आपको याद रखना है, वह झील है नक्की झील। ठीक है, नक्की झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी सबसे गहरी झील है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है? राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है तो कौन सा है? कोटा। ठीक, कोटा है जो राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है? राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है तो आपको याद रखना है, वह जनजाति है भील। भील जनजाति है जो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान है? राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान है तो आपको याद रखना है, वह स्थान है फलोदी। ठीक है, फलोदी स्थान है जो राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान माना जाता है, कौन सा? फलोदी। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है? राजस्थान की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है तो कौन सी जनजाति है? मीणा। ठीक है, मीणा जनजाति है जो राजस्थान की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति मानी जाती है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है तो कौन सी है? जयसमंद। ठीक है, जयसमंद झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान की सर्वाधिक पवित्र झील किसे माना गया है? राजस्थान की सबसे पवित्र झील किसे माना गया है तो आपको याद रखना है, वह झील है पुष्कर झील। ठीक है, पुष्कर झील को राजस्थान की सर्वाधिक पवित्र नदी पवित्र झील माना गया है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? तो आपको याद रखना है, वह झील है पुष्कर झील। ठीक है, पुष्कर झील है जो राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन एवं प्राकृतिक झील है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो आपको याद रखना है, वह झील है सांभर झील। सांभर झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे जल की झील मानी जाती है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है तो आपको याद रखना है, वह झील है जैसमंद। ठीक है, जैसमंद झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे जल की झील मानी जाती है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है तो आपको याद रखना है, यह कहा जाता है मूणोत नैणसी को। ठीक है, मूणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, बागड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बागड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है तो आपको याद रखना है, यह जाना जाता है बोगीलाल पांड्या को। ठीक है, बोगीलाल पांड्या को बागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से कौन विख्यात है? राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से कौन विख्यात है तो आपको याद रखना है, जो विख्यात है टोंक जिला। टोंक जिला है जो राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है या विख्यात है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है
कि राजपूतों के नगरों और प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ था क्योंकि वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। ठीक है, राजपूतों के नगरों और प्रसादों का निर्माण पहाड़ों में हुआ था क्योंकि वहाँ पर शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन उपलब्ध थे। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनिया अकाल के नाम से जाना जाता है वह कब घटित हुआ? तो आपको याद रखना है वह हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी में छप्पनिया अकाल घटित हुआ था जो राजस्थान में हुआ था वह कब हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी में। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, डिलिका की स्थापना किसने की? तो आपको याद रखना है तोमर वंश ने। ठीक है, तोमर वंश ने डिलिका की स्थापना की थी। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, वह कौन मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? तो आपको याद रखना है वह था महाराणा कुंभा। ठीक है, महाराणा कुंभा वह शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, 1733 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है उसके लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है वह उसके लेखक है जयपुर के स्वाई जयसिंह है। जिसके लेखक है कौन? जयपुर के स्वाई जयसिंह। ठीक है, 1733 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है उसके लेखक कौन है? जयपुर के स्वाई जयसिंह। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? तो आपको याद रखना है वह था कछवाहा। ठीक है, कछवाहा वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी तो कहाँ पर की गई थी? जयपुर में। ठीक है, जयपुर में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी। अगला देखते हैं, अगला सवाल है कि राजपूताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया था? तो आपको याद रखना है वह था स्वाई जयसिंह। ठीक है, स्वाई जयसिंह ने सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको 25 में से कितने प्रश्न सही किए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।